वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को मानो जकड़ सा लिया हो। सभी कलाकार अपनी प्रदर्शनी के लिए काफी इंतजार में थे। लंबे अंतराल से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन के बाद भागलपुर कला केंद्र शिल्प संगीत नृत्य महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी अरसों बाद आज कला केंद्र भागलपुर में 2 दिवसीय चित्र शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 16 एवं 17 सितंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कोविड और लॉकडाउन के लंबे अंतराल ने आम जन जीवन को गहरा आघात पहुंचाया है। इससे जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना है। लंबे अंतराल के बाद कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कला केंद्र में 2 दिवसीय चित्र एवं शिल्प की लघु प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। बताते चले कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार प्रति कुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थे तथा सम्मानित डॉक्टर रौनक यादव MLC एवं सचिव कला केंद्र डॉक्टर राम प्रवेश सिंह अध्यक्ष क्षेत्र कल्याण थे। साथ ही साथ वहां उपस्थित थी डॉक्टर रतन मंडल कुलानु नुसान TMBU। साथ ही साथ वहां उपस्थित थे डॉक्टर योगेंद्र विभाग अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग TMBU। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सामूहिक रूप से फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में कला केंद्र के शिक्षक उमेश प्रसाद, नीना प्रसाद, विजय सावर, राहुल उपस्थित थे। साथ ही साथ कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों ने उदय, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान, नदीम मुमताज, लाडली रजदीप प्रिया, मृदुल्ला सिंह, सुषमा पुष्पांजलि राय आदि उपस्थित थे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल मिश्रा एवं स्मृति के द्वारा वंदना की प्रस्तुति की गई। फिर भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई। फिर लोग लघु चित्र शिल्प प्रदर्शनी को देखें। इस 2 दिवसीय चित्र शिल्प प्रदर्शनी को देखने दूर दूर से कलाकार व दर्शक कला केंद्र प्रसाल में पहुंच रहे हैं। सर अभी इधर 300 रुपया ही ले रहे हैं। मंथली 6 महीने का ले 4 साल। अब जितना सीख सके विश्लेषण मदद कर रहे हैं करेंगे। तो उस समय होती थी। हाँ, एक आपके पक्ष में है कि बिहार विश्वविद्यालय से संबद्धता इसको डिप्लोमा के लिए मिली। उस संबद्धता को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया है विश्वविद्यालय कि यहाँ पर डिप्लोमा की पढ़ाई अब नहीं हो सकती है। ये आपके पक्ष में है। दूसरी बात, अभी हमने जो डिजिटल रजिस्टर देखा तो बहुत ही आश्चर्य लगा कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी इसमें संस्मरण है। बिहार के श्री कृष्ण जी का भी संस्मरण है और सारे बहुत बड़े बड़े लोगों का, महान लोगों का भी इसमें अपना उद्गार है। और इससे पता चलता है कि कला केंद्र की क्या संस्कृति रही है, क्या इतिहास रहा है।